चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल शरम करो। केजरीवाल के नाम से उभाई बंद करो। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल शरम करो। केजरीवाल हाय हाय, शौक नहीं मजबूरी है, ये शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल शरम करो। केजरीवाल हाय हाय, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल शरम करो, केजरीवाल ड्रीम करो, केजरीवाल हाय हाय। दिल्ली के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली के लोग पानी की त्राहिमाम से त्रस्त हैं, पीने का पानी नहीं है, पीने के बगैर जीवन चल ही नहीं सकता और दिल्ली में पानी नहीं है। इस तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 लाख वोट है, 2,05,000 के करीब, और 38 टैंकर केवल चलते हैं और 38 टैंकरों में भी जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो भी 15-20 ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं, और उन जो ट्यूबवेल ठीक चल रहे हैं उनसे टैंकर प्राइवेट टैंकरों को पानी भरवाया जाता है। हमारे पास वीडियो है इस बात के लिए। तो इस भ्रष्टाचार को तो खत्म कर नहीं रहे हैं, वो पैसे खाते हैं, नौटंकी कर रहे हैं, हम सत्याग्रह पर बैठे हैं। तो लोग पानी से त्रस्त हैं, ये लोग धरना कर रहे हैं, ये अकेले आतिशी की तरह एयर कंडीशन में 10 लोग नहीं बैठे, ये 1,500-2,000 लोग हैं यहाँ पर जो आए हैं। आज हमारा विपक्ष में होने के नाते से कर्तव्य बनता है, जनता हमारे पास आएगी, जनता की बात हम उठाएंगे। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, प्रदर्शन हम नहीं कर रहे, प्रदर्शन दिल्ली के नागरिक कर रहे हैं, वो मेरी माता बहने कर रही है जिनको पानी की समस्या है। आतिशी से पूछना चाहता हूँ, एक दिन अपनी मम्मी से बोलिए आतिशी घर के सामने टैंकर मंगाएं और टैंकर से बाल्टी भर के ऊपर ले जाए। अमीर चंद नाम रखने से अमीर नहीं होता, आम आदमी पार्टी का नाम रखने से आम आदमी नहीं होए, ये वीवीआईपी हो गए हैं। केजरीवाल साहब की बीवी आज लगभग 54 करोड़ के घोटाले करके महल में बैठी है, शीश महल में, ये आम आदमी है। तो आम आदमी पार्टी के नाम से नौटंकी करने वाले लोग एक्सपोज हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा है हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास एक एईए केवल एक पूरी तुगलकाबाद विधानसभा में, हमारे पास 20 कर्मचारी हैं केवल सीवर के लिए ठीक करने के लिए, हमारे पास जो रीबोर्ड ट्यूबवेल है उनके लिए पैसा नहीं है, जल बोर्ड घाटे में है, क्या है हमें नहीं पता।
हम जो रिक्वेस्ट मांगते हैं स्टाफ की मांगते हैं, जेई की मांग, अब एक जेई है बताओ, और सीवर के अंदर जेई है ही नहीं, और जल बोर्ड का एक जेई है तीन वार्डों के अंदर, तो वो परेशान है अधिकारी बेचारे क्या करेंगे। अधिकारियों के नाम की जो तनख्वाह है उनको वो वकीलों के अपनी जमानत करवाने में दे रहे हैं, सिंघवी साहब को, कपिल सिब्बल साहब को, उनको दे रहे हैं, वो जेल से छूटने में लगे हुए हैं। भैया भाई सिलम्बरम, हमको 2 महीना हो गए पानी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल पानी देख खरीदते थे 500 रुपए का पानी खरीदते थे, पानी नहीं जा रहा, नहीं सरकारी भेज रहा है न कोई भेजते हैं पानी को, तैयार 3 महीना हो गया पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है, मालूम बोर में पानी भी नहीं आ रहा है, बोर करवावे हमारी गली में बोर करवावे, 22 नंबर में पानी की बहुत समस्या है, बिल्कुल पानी आया नहीं रहता है, बाद में 22 नंबर में तो जा ही नहीं रहा है बिल्कुल करके, बोर भिजवाओ हमारी गली के लिए, 22 नंबर को बोर करवाओ सरकार से, बोल हमारे लिए पानी भिजवाओ, टैंक भिजवाओ सरकारी, टैंक हमारी गली में कभी नहीं, टैंक बोर करवाओ, टैंक तो तुम ले जाओ, आधे भरेंगे आधे नहीं भरेंगे, लड़ाई हो जाएगी टैंक के पीछे, जाए मारे हम तो अपना भरते, तुम बोलो मैं दादा, नाम बताओ, नाम बोलो, नाम बताओ, हमारा नाम गुड्डो, हम लड़ाई भाई हम ये सर, नमस्कार सर, मेरा नाम झरना दास, झरना दास, हमारे यहाँ सर पानी की बहुत समस्या है, हमारे यहाँ एक एक महीने पे पानी मिलता है, वो भी टाइम देख के मिलता है सर, इतना गर्मी में अगर एक महीने में पानी आए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे इसलिए हमारे गली में बोर होनी जरूरी है, अगर बोर होगा जब भी हम जल्दी जल्दी पानी मिलेगा, अभी तो एक महीने बाद वो जो लड़का पानी देता वो कहता हम क्या करेंगे, पूरा ही नहीं होता है, वो भी मजबूर है, वो नहीं दे सकता ना, इसके लिए तो सर हमारे गली में बोर होनी जरूरी है, अब टैंकर के लिए अगर आ जाओ तो पूरे पूरे दिन बैठ के चले जाओ, टैंकर मिलता नहीं है, फिर इनको पैसे दो 500 रुपया दो तो टैंकर आती है, पर हमारी गली छोटी है इसलिए हमारे गली तक नहीं पहुंचती, मेरे घर तक तो नहीं पहुंचती सर, फिर पीने वाली पानी बोतल एक लेके फिर जाके नहाओ, आप खुद सोचो सर 20 रुपया में एक बोतल लेके अगर हम नहाएंगे, हम इतना तो कमाई है नहीं हमारे पास जो हम पानी खरीद के हम नहाएंगे, पीने का पानी तो है नहीं, नहाने धोने के पानी नहीं है सर, बहुत दिक्कत होती है हमारे यहाँ, सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हमारे इधर बोर करवाए और हमें पानी की साधन दिया जाए, पानी के लेके हम प्रोटेस्ट कर रही हूँ, जो 3 महीना पानी नहीं मिल रहा, बोर वाला के पास जा रही हूँ, कह रही थी नीचे पानी नहीं है, जो थोड़ा सा पानी आगे आगे मिल रहा हमारा 3 महीना से पानी नहीं मिल रहा, हम लोग कहाँ जाए, उनको क्या बताऊँ, जो वो लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे देने के लिए वो दे नहीं पा रही है, बोर में पानी नहीं है, कैसे एक बोर कितना चलाएंगे, इतना गर्मी में 22 नंबर में बहुत तकलीफ है, हम लोग का 3 महीना पानी नहीं मिला, जो बोर में जो पेखंड में जाते हैं वो लाइन लगा के इतना धूप में मैं चक्कर आ गई थी, वापिस आ गई, फिर 500 रुपया 700 रुपया देते टैंकर मंगा के चल रही, जब पानी नहीं होता है आके देखते हैं, जो काम से जाके देखते पानी नहीं है तो उस टाइम खरीद के एक बोतल पानी लेके कितना 6-7 लोग है हम लोग, तो कैसे चलेगी, ये लोग कोई व्यवस्था नहीं कर रहा, 20 नंबर गली से आई हूँ, पानी नहीं जाता और टैंकर भी नहीं जाता है, हमारी गली छोटी है टैंकर घुसता नहीं है, और क्या कहते हैं, वैसे पानी आ रहा है 1 महीने में 1.5 महीने में आता है।